आज इनका हम फेस क्लेंजिंग करने वाले हैं और इनकी क्लेंजिंग सबसे पहले हम फेस वॉश से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फेस वॉश से स्टार्ट कर रहे हैं। ये फेस वॉश किसी भी स्किन टाइप पे दिया जा सकता है। पाँच मिनट के लिए स्किन पे छोड़ देंगे। इससे जितना भी टैन है स्किन में, जो धूप से टैन हो गई है स्किन या रोज़ पॉल्यूशन में जाके टैन हो गई है स्किन, वो बहुत जल्दी लाइटन अप हो जाएगी और स्किन हमें ज़्यादा फेयर नज़र आएगी। 5 मिनट पूरे हो चुके हैं हमारे, अब हम इस डे टैन को रिमूव करेंगे। अब हमारी स्किन बिल्कुल 100% क्लीन हो चुकी है। अब इस स्किन पे कोई भी हाइड्रेशन की चीज़ लगाई जाएगी तो वो स्किन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगी उसे। अब हमारी स्किन तैयार है हाइड्रेशन के लिए। ये हमारे पास कोलाजन जेल है जो हम स्किन पे पहले अप्लाई कर रहे हैं। अब हाइड्रेशन मसाज अगर आप घर पे कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप 25 से 30 मिनट या आधा घंटा या पौना घंटा स्किन में मसाज करते रहें। 10 to 15 मिनट्स इज
हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे। ये फेस पैक हमारा पीएच बैलेंस भी नॉर्मल लाएगा, पोर्स को टाइटन अप करेगा और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा ग्लो देगा स्किन के ऊपर। अब 15 मिनट हो चुके हैं, अब हमारा ये पैक उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। हल्का सा हाथ वेट करने के बाद हम मास्क को हल्का हल्का गीला करते हैं ताकि वो स्किन को छोड़ दे। अब हम नीचे से इस मास्क को स्किन को पुल करते हुए उतारना शुरू करेंगे। बहुत आराम से, बिना कोई बाल खींचे, बिना स्किन को खींचे। पूरा पैक उतारने के बाद आप स्किन पे शाइन ग्लो देख सकते हैं। अब ये ग्लो एज इट इज़ मेंटेन रहेगा पूरे 30 डेज। इस ग्लो को मेंटेन रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप डाइट क्या ले रहे हैं। एक अच्छी हेल्दी डाइट होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ आपका डेली रिजाइम क्या है, डेली वर्क रूटीन क्या है, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये क्लेंजिंग आप हर 10 दिन में या 15 दिन में ले सकते हैं। अगर आप रेगुलर ये क्लेंजिंग लेते रहेंगे तो आप खुद ही नोट करेंगे कि आपके स्किन पे कितना एक फ्रेशनेस रह रही है, एक कितना आप फ्रेश फील कर रहे हैं और साथ ही साथ एक अलग ग्लो मेंटेन हो रहा है आपके स्किन में।